कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख के कारगिल पहुंचे और 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि आतंकवादियों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे और पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। सभा के बाद प्रधानमंत्री ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात की और शिंकुनला टनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अग्निपथ योजना का जिक्र करते हुए कहा कि यह योजना देश की ताकत को बढ़ाएगी और युवा भी देश सेवा के लिए आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस योजना पर सवाल उठा रहा है और कुछ लोग इसे पेंशन का पैसा बचाने की योजना बता रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अग्निपथ योजना से सेनाओं को युवा और योग्य बनाए रखने में मदद मिलेगी और यह डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्ट का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने डिफेंस सेक्टर में हो रहे सुधारों की सराहना की और कहा कि पहले सेना को आधुनिक फाइटर प्लेन देने का विरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि डिफेंस रिसर्च में प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा बढ़ाया गया है और भारत अब हथियारों का निर्यातक बनता जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सेना को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं और पिछले 10 सालों में इस रिफॉर्म्स को प्राथमिकता दी गई है। विपक्ष ने अग्निपथ योजना को लेकर आरोप लगाया है कि सरकार इस योजना के जरिए पेंशन का पैसा बचाना चाहती है। इसके साथ ही विपक्ष ने सेना के रिफॉर्म्स पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य पेंशन की राशि बचाना है।